हमारी राधा स्वयं एक बार चलकर यमुना की गहराइयों में गई थी और यमुना ने उसे तक डूबने नहीं दी। सच बलराम दाऊ? हाँ सच। आपने मुझे ये बात बताकर मेरी बहुत सहायता की है सच में। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे कार्य याद आ गया। किंतु कार्य क्या है वो तो बताओ रुक्मिणी। अब कोई और बड़ी समस्या ना उत्पन्न हो जाए। ये कहाँ जा रही है? यदि ये सत्य है कि कृष्ण जिसे प्रेम करते हैं वो यमुना में कभी नहीं डूबता, तो आज मैं इस यमुना के जल में प्रवेश करके दिखाऊंगी। तभी सबको प्रमाण मिलेगा कि कृष्ण संसार में सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं और इसीलिए वो मुझसे विवाह करें। क्या कर रही हो? यमुना में उफान आया है, दूर हटो यहाँ से। राधा क्या ये सत्य है कि कृष्ण के प्रिय यमुना में कभी नहीं डूबते? देखो रुक्मणी, पहले पीछे आओ, मूर्खता मत करो। तो अंततः मेरी योजना सफल रही। ईर्ष्या का बीज अपनी जड़ें फैला रहा है। राधा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या ये सत्य है कि कृष्ण के प्रिय यमुना में कभी नहीं डूबते? पहले तुम तट से पीछे हटो। नहीं राधा, पहले उत्तर दो। हाँ ये सत्य है। तुम भी नहीं डूबी थी ना? तो भला मैं कैसे डूब सकती हूँ राधा? इस भयानक तूफान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं बचा सकता। मणि की प्राण बचा, उसकी सहायता के लिए, रक्षा के लिए आना ही होगा, मेरे लिए आना ही होगा। फिर कैसे संभव है? रुक्मणी को यमुना जी बाहर ले आईं। ये चमत्कार कैसे हुआ? यमुना अचानक शांत कैसे हो गई? ये कन्या मर जाती तो अच्छा होता, इस राधा को फंसाने का अच्छा अवसर था।
जी को, इसने देखा राधा मैं भी जीवित हूँ, मैं भी नहीं डूबी। कृष्ण मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते, इसीलिए यमुना भी मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती। देखो इतने उफान में भी मैं नहीं डूबी। रुक्मणी तुम अब भी नहीं समझी, कृष्ण को समझने के लिए तुम्हें प्रेम की परिभाषा को समझना होगा। और अब मैं तुम्हें परिशुद्ध प्रेम समझा कर ही रहूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। युवराज बलराम अपना दुख भरा मुख लेकर यहीं आ रहे हैं। 3, 2, 1। ओहो काना, क्या से क्या हो गया? कहाँ मैं राधा की सहायता के लिए उसे दुख से बचाने के लिए गया था और कहाँ मैं रुक्मिणी को वहां यमुना में डुबा कर आ गया? ओहो सत्य में बहुत बड़ी भूल हो गई काना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब कुछ कहो। क्यों, क्या कहूं, किसलिए कहूं, मेरे कहने से क्या अंतर पड़ता है? अब तक कितनी बार बोला ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ये मत कीजिए, अब वही करते हो, वही करते हो, वही करते हो। इस बार भी बोला, 3 बार चिताए सुना, मैं क्यों बोलूं? चित कह रहे हो तुम काना, सत्य में तुमने तो सदैव मुझे समझाने का प्रयास किया किंतु मैं हूं जो मानता ही नहीं हूं तुम्हारी बात। आज मैं कान पकड़ कर तुमसे कहता हूं कि इसके पश्चात मैं तुम्हारी किसी बात को अनसुना नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। सब ठीक है किंतु हाथ जोड़कर नहीं कहा जाता कि मैं कान पकड़ रहा हूं। क्या कान, तुम भी मेरे घाव पर अब नमक छिड़क रहे। लो पकड़ लिए मैंने कान, पकड़ लिए। नहीं, अरे आपको बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके वहां जाने से लाभ ही हुआ है। अब इस घटना के कारण होगा रुक्मिणी में परिवर्तन, जिससे रुक्मिणी का ही हित हो और शीघ्र ही रुक्मिणी संसार को ऐसी शिक्षा देगी जो संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। राजकुमारी रुक्मिणी, यमुना की शीतल जल से कहीं आपको अधिक ठंड तो नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं, बल्कि आज की इस घटना से तो मैं इतनी आनंदित हूँ कि मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा है। हो भी क्यों ना भला, आपने इतना बड़ा कार्य जो किया है, आज आपने अपने प्रेम को सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ साबित किया है। मुझे तो बड़ा गर्व है आप पे राजकुमारी रुक्मिणी। अब मैं समझ गई कृष्ण ने विवाह के लिए आपको क्यों चुना, आप हैं ही इतनी विशेष। अरे राधा देखो तो, कुटिला दीदी मेरे इस कार्य से कितनी आनंदित है। इसीलिए तो अपने हाथों से आपके लिए गर्म दूध लेकर आई हूं, इसे अवश्य पी लेना। रुक्मणी जो तुमने किया है उस पर गर्व या आनंदित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अनुचित था। कैसे राधा? देखो रुक्मणी, अपने प्रेम को महान या बड़ा दिखाने के लिए दूसरे के प्रेम को छोटा दिखाना अनुचित है। प्रेम तो प्रतिम है, अतुल्य है, भला उसकी तुलना कोई कैसे कर सकता है? प्रेम व्यक्ति के हृदय में व्याप्त कोई विचार या अनुभूति नहीं, प्रेम तो एक परिशुद्ध भाव है।